भागवत भूषण सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते सुनाते रोने लगे। देखिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो। जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जुदाई देखी नहीं जाता, बहुत भीड़ के कारण मैं तो मंदिर भी केवल एक ही दिन गया, उस दिन भी देखे आया था बाबा। मैं रोज वही आता था, मैं आता लोगों को कष्ट होता है, किसी को पाँव लगता है, किसी को हाथ लगता है, पर मुझसे मिलने तो रोज आता था। और ये मेरी व्यास पीठ थी, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मेरा विश्वनाथ मुझसे मिलने नहीं आया। ये दिन आया, हर पल हर घड़ी उसने एहसास दिखा दिया, अपना एहसास कि मैं हूं तेरे साथ। और ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है, हर पल हर हर क्षण मैं आपको कोई धन नहीं दे सकता, कोई दौलत मेरे पास नहीं है, कोई पूंजी नहीं है मेरे पास, मैं आपको लुटा सकता हूं। ईमानदारी से कहूं, इतनी संख्या में लोग आने लगे कि हम आपको पेट भर के भोजन भी नहीं दे पाते, हम बैठने की व्यवस्था भी नहीं दे पाते हैं। कितनी करेगा यजमान, कितनी करेगा व्यवस्था, आप तो लाखों में आ रहे हैं, कितनी व्यवस्था यजमान करेगा, कितनी, पर कोई व्यवस्था नहीं कर सकता, आपकी व्यवस्था तो महादेव करता है।